नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं आज सुबह आपके साथ, मैं हूं अर्पिता आर्य। शुरुआत इस वक्त देश के कई शहरों में हो रहे इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ छापेमारी से करते हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम, लखनऊ और गुजरात में राजनीतिक चंदे को लेकर एंट्री ऑपरेटर्स पर छापेमारी की जा रही है। कुछ कॉरपोरेट कंपनियां भी इनकम टैक्स के रडार पर हैं, जिन्होंने एंट्री ऑपरेटर्स के जरिए राजनीतिक दलों को चंदे दिए। छापेमारी के तहत कई छोटे छोटे राजनीतिक दल भी निशाने पर हैं। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शराब और दूसरे कारोबारियों पर भी इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। तो रायपुर में कई कारोबारियों पर इनकम टैक्स की रेड चलती हुई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शराब कारोबारियों के यहां इस वक्त इनकम टैक्स के विभाग की टीम के लोग पहुंचे हैं, छापेमारी चल रही है। तो आपको बता दें, चाहे दिल्ली हो, लखनऊ हो, गाजियाबाद हो, गुरुग्राम हो, इन जगहों पर छापेमारी इस वक्त चल रही है। कुछ कॉरपोरेट कंपनियां भी इनकम टैक्स के रडार पर हैं, जिन्होंने एंट्री ऑपरेटर्स के जरिए राजनीतिक दलों को चंदे दिए हैं। किन किन लोगों ने राजनीतिक दलों को चंदे दिए, अब जांच इस दिशा में भी आगे बढ़ रही है। मुनीश पांडे इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मुनीश, ये अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है और खबर तो ये भी आ रहा है कि कुछ लोगों ने राजनीतिक दलों को जो चंदे दिए उन पर भी नजर होगी। जी बिल्कुल, देखिए जो ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक लगभग 7 राज्यों में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इस छापेमारी में ज्यादातर जो एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं, और आम भाषा में कहें तो ये छोटी छोटी कंपनियां होती हैं जहां पर लोग अपना कैश पैसा लेकर आते हैं और उसके बदले में उन्हें चेक बनाकर, यानी कि काले धन को सफेद धन, यानी कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाया जाता है। यहां पर उन कंपनियों पर छापेमारी चल रही है, एंट्री ऑपरेटर्स पर छापेमारी चल रही है। इसके अलावा कुछ हवाला ऑपरेटर्स हैं, उनके यहां पर भी छापेमारी चल रही है। दरअसल इस मामले में पूरा इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी और इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट दिया था कि कुछ जो राजनीतिक दल हैं उनको गलत तरीके से चंदा दिया जा रहा है, उसमें ब्लैक मनी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें कि बहुत सारे एंट्री ऑपरेटर्स हैं वो शामिल है, हवाला ऑपरेटर्स हैं वो शामिल है। जिसके बाद में इनकम टैक्स ने उस रिपोर्ट का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में आज तकरीबन 7 राज्यों में अलग अलग ठिकानों पर, हम कह सकते हैं कि लगभग 50 से ज्यादा ठिकाने हैं जहां पर जो इनकम टैक्स की अलग अलग टीमें हैं वो छापेमारी कर रही हैं। इसमें कुछ कॉरपोरेट कंपनियां हैं वो भी रडार पर हैं, उसके अलावा कुछ राजनीतिक दल हैं वो भी जांच के घेरे में हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई इनकम टैक्स इस वक्त कर रही है। मुनीश, आप जरा जल्दी से एक बार बताइए कि किन किन शहरों में छापेमारी चल रही है। आरोप जो लग रहे हैं कि कुछ राजनीतिक दलों को चंदे दिए गए, क्या ये भी जानकारी मिल रही है वो कौन कौन से राजनीतिक दल थे? जी देखिए, इसको लेकर हमने जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इसका खुलासा तभी होगा जब एक बार जो छापेमारी की कार्रवाई है वो पूरी हो जाए। ये प्रोसीजरल होता है। तो पुराने मामलों में भी हमने देखा है कि जब तक छापेमारी चलती रहती है तब तक इनकम टैक्स के अधिकारी ज्यादा कुछ जानकारी देते नहीं है, लेकिन ये जानकारी जरूर आ रही है कुछ राजनीतिक दल जो हैं वो इसमें इनकम टैक्स के रडार पर हैं। इसके अलावा जो शहरों की आप बात करी थी, देखिए यूपी में अगर बात करें तो गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, इन जगहों पर छापेमारी चल रही है। दिल्ली के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। गुजरात के कई शहर हैं वहां पर छापेमारी चल रही है। जो छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, वहां पर भी छापेमारी चल रही है। तो आप कह सकते हैं कि कम से कम 7 राज्यों में 50 ऐसे ठिकाने होंगे जहां पर छापेमारी चल रही है। छापेमारी की वजह सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट में कहा कि काले धन का इस्तेमाल कर कुछ राजनीतिक दलों को चंदा दिया जा रहा है और एंट्री ऑपरेटर्स का बड़ा रोल है। एंट्री ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि आप कैश पैसा लेकर जाइए और वहां पर छोटी कंपनियां होती हैं, कंपनियों के नाम पर दिखाया जाएगा कि वो व्यवसाय कर रही थी और आपको चेक बनाकर दे दिया जाएगा और वो चेक आप किसी भी राजनीतिक दल को दे सकते हैं।